दोस्तों आज की वीडियो बड़ी खास है, बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, अगर आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली ना तो आपका रिलेशन एकदम मजबूत बन जाएगा, एकदम परफेक्ट बन जाएगा। कोई भी रिलेशन परफेक्ट होता नहीं है, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है और वो उसको दो खास लोग ही बना पाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ जाएगा, आपका रिलेशन एकदम मजबूत हो जाएगा। तो मैं हूँ आपका दोस्त ताबिश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्काइकिंग हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। तो बिना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आपको टाइम देना है अपने पार्टनर को। अक्सर लोग गलती यही करते हैं कि वो टाइम नहीं दे पाते हैं। टाइम देने का मतलब ये है कि आपको टाइम टू टाइम कॉल करना है उसको, आपका हालचाल जानना है अपने पार्टनर का कि वो कैसा है, उसने खाना खाया है या नहीं खाया है, उसकी तबीयत तो ठीक है या नहीं है। तो आपको टाइम ज़रूर देना है, चाहे आपको मैसेज करना है, चाहे आपको कॉल करना है, चाहे आपको उससे मिलना है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज के टाइम पे बहुत बड़ी कमी है लोगों के अंदर, वो अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाते हैं और वो क्या एक्सक्यूज़ देते हैं, क्या बहाने देते हैं कि यार हम पढ़ाई कर रहे थे, हम यहाँ पर बिज़ी थे, हम वहाँ पर बिज़ी थे। आज के टाइम पे कोई इतना भी बिज़ी नहीं होता है यार कि अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाए। जो हमारे लिए खास होता है, जो हमारे दिल के करीब होता है, तो हम उसके लिए टाइम ज़रूर निकालते हैं, चाहे हम दुनिया में कोई भी काम कर रहे हों, कितना भी बिज़ी क्यों ना हो। आज के टाइम पे देखा होगा कि जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनसे ज़्यादा कौन बिज़ी रहता होगा यार। वो तो अपने पार्टनर के लिए टाइम ज़रूर निकालते हैं, अपनी फैमिली के लिए टाइम ज़रूर निकालते हैं। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको टाइम ज़रूर निकालना है और अपने पार्टनर का दिल के हाल ज़रूर जानना है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ पर है वो, उसने खाना खाया है कि नहीं खाया है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में जाननी है। तो आपको टाइम ज़रूर देना है। इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने कोई पेड़ लगाया है, तो आप अगर उसमें पानी नहीं दोगे तो वो बड़ा कैसे हो पाएगा। तो इसी तरीके से रिलेशन में होता है, इसी तरीके से रिलेशन में होता है, अगर आप टाइम नहीं देंगे तो रिलेशन ख़राब हो जाएगा और हो सकता है आप लोग अलग हो जाओ। तो आपको टाइम ज़रूर देना है, टाइम ज़रूर निकालना है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो है लड़ाई झगड़ा। दोस्तों लड़ाई झगड़ा हर किसी के बीच में होता है, हर एक फैमिली में होता है, हर एक रिलेशनशिप में होता है, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे लव अरेंज हो, चाहे फैमिली हो, कहीं पर भी हो, चाहे दोस्ती हो, हर जगह लड़ाई होती ही होती है। तो आपको क्या करना है, जब लड़ाई हो जाती है यार दो पार्टनर लोगों के बीच में, तो वो करते क्या है, वो उसका डिस्कशन नहीं करते हैं कि यार किस वजह से लड़ाई हुई थी, और वो करते क्या है, लड़ाई हुई या किसी कोई बात बुरी लगी अपने पार्टनर की, तो वो जाते हैं अपने दोस्तों में, या लड़कियां जाती हैं अपने दोस्तों में, या लड़का दोस्तों के पास जाता है, तो वो बुराई करना शुरू कर देता है कि यार उसने मेरे साथ ऐसा किया, या उस वो लड़की कहती है कि यार उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा बिहेव किया। वो जानते नहीं हैं कि यार उसने ऐसा क्यों किया। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है, दूसरे लोगों के सामने बुराई नहीं करनी है अपने पार्टनर की। आप दोनों के लोगों के बीच में बात है, आप दोनों लोग बैठिए आराम से डिस्कस करिए कि किस बात पर लड़ाई हुई है आपकी। जब आप डिस्कस करेंगे अच्छे से, उस बात को क्लियर कर लेंगे, तो आपकी लड़ाई नहीं हो पाएगी और आपका रिलेशन भी मजबूत बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे और अपने दिल के अंदर बातें रख लेंगे और सोचेंगे कि यार ये मेरा पार्टनर ठीक नहीं है, यार ये मेरे साथ ठीक नहीं करता है, और दूसरे लोगों के सामने बुराई करेंगे, तो आपका रिलेशन कभी मजबूत नहीं बन पाएगा। तो आपको डिस्कशन ज़रूर करना है और दूसरे लोग को नहीं बतानी है अपनी पर्सनल बातें। आप दोनों लोग आपस में बैठ के बात करिए और तीसरे बंदे को बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना करें। अगर बहुत टफ सिचुएशन बन रही है तब कर सकते हैं, पर एक नॉर्मल जो लड़ाइयाँ होती हैं उसमें तीसरे बंदे को बिल्कुल भी नहीं बताएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका रिलेशन ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों ये दो ऐसे टिप्स थे, अगर आपने ये फॉलो कर लिए ना तो आपका रिलेशन बहुत परफेक्ट बन जाएगा, बहुत मजबूत बन जाएगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी हेल्थ, फिटनेस, फैशन, एजुकेशनल, रिलेशनशिप के ऊपर वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।